जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जो साल 2005 में पत्रकार थे, वह तब उन्होंने अपनी कमाई से अपना घर खरीद लिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका घर राजनीति में आने से 18 साल पहले ही बन चुका था। वह इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि भाजपा कैसे झूठी खबर फैला रही है कि उनका घर एक्साइज पॉलिसी की कमाई से बना है। वे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लाखों गरीब बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। उन्हें लगता है कि भाजपा चाहती है कि ईडी और सीबीआई के डर से मनीष सिसोदिया भाजपा में शामिल हो जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चुनौती दी है कि वह ईडी के दस्तावेज देखने के बाद मनीष सिसोदिया जी और उनके परिवार से माफी मांगे। कल शाम से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर यह खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये कागज जो है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खुद का ऑर्डर है जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बता रही है, उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्सचर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे, एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं, तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है, ये मनीष सिसोदिया जी की
सैलरी का अकाउंट है जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहती हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि और पार्टियों के नेताओं की तरह ईडी सीबीआई का केस होने पे जेल जाने के डर से मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो ये चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं आपके ईडी और सीबीआई के डर से, हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी धमकियां दे दो, आपने जिसको जेल भेजना है भेज दो, ना हम आपसे डरने वाले हैं ना हम आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और आज इन ईडी के साक्ष्यों को देखकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अब आपको मनीष सिसोदिया जी से और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए उनकी झूठी बदनामी करने के लिए। अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपए यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं। ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे, अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में 18 साल पहले उनके राजनीति में आने के पहले बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में एक्साइज पॉलिसी में बनाए जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से उनकी तनख्वाह के पैसे से जर्नलिस्ट के तौर पे विधायक के तौर पे मयूर विहार में खरीदा गया, 2018 में खरीदा गया। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी के बनने से 4 साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लैट एक्साइज पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाख रुपए की मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, ये कैसे एक्साइज पॉलिसी के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का खुद ईडी के ऑर्डर ने पर्दाफाश कर दिया है। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।